कन्या योजना आठ जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, राज्य मंत्री ने उपहार भेंट कर दिया आशीर्वाद। शिवपुरी जिले की पोहरी जनपद पंचायत की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शुक्रवार को राधा कृष्ण वाटिका पोहरी में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आठ जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, नगर परिषद अध्यक्ष पोहरी रश्मि नेपाल वर्मा, जनपद अध्यक्ष पोहरी रामकली, आदिवासी जनपद उपाध्यक्ष मुन्नालाल रावत और गणमान्य नागरिकों ने दंपतियों को उपहार भेंट कर ईश्वर से सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फिर से शुरू की गई कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता की बेटियों की शादी धूमधाम से हो रही है। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर विवाह तक के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कारण आज मध्य प्रदेश में बेटी बोझ नहीं है बल्कि वास्तव में लक्ष्मी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 5,000 बेटियों के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह कराने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उपस्थित वधू को अपनी स्वयं की निधि से 5,100 रुपए देने की घोषणा की है। पोरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहले ये योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू की थी, 14 महीने के लिए सरकार कांग्रेस की आ गई थी तो वो योजना बंद कर दी। जब पुनः भाजपा की सरकार आई और इस मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने तो उन्होंने पुनः योजना को चालू किया। ये हमारी जनपद का दूसरा सम्मेलन है, दूसरा बड़ा सम्मेलन को बोल रहे हैं, पहला सम्मेलन करने जा रहे हैं और आठ जोड़ों को का सम्मेलन है। इसको हम अगले सम्मेलन की तारीख निश्चित करेंगे, इसका प्रचार प्रसार हम सबको बढ़ चढ़ के करना, जिससे अधिक से अधिक शादी हम बेटा बेटियों के सम्मेलन में करें। साथियों, बहुत अच्छा आके लगा मेरे को, मन को तसल्ली और शांति मिली, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम हमको बड़े रूम में और करना चाहिए। मैंने अभी अधिकारियों को बुला के कहा कि इसका प्रचार प्रसार हमको अधिक करना चाहिए, जनपद के माध्यम से करना चाहिए और मेरे माध्यम से भी होना चाहिए। हमारे पत्रकार साथियों को 15 दिन पहले खबर होना चाहिए, जिससे वो भी मीडिया में, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए हमें उसको भव्य कार्यक्रम किया जा। अभी मेरे साथी बड़े मंत्री गोपाल भार्गव जी ने 4100 कन्याओं का विवाह सम्मेलन कराया, बहुत अच्छा आनंद आया। और इसमें इससे सबसे अच्छी बात एक और है कि इसमें हम कितने हज़ारों लोग बराती बनते हैं, कितनी अच्छी शादी होती है। व्यक्तिगत आप अपने बेटे की शादी करो, मैं करूं, कितने आएंगे, 100, 50, 500 लोग, लेकिन उसमें हजारों आदमी आएंगे। और अगली जो तारीख आएगी उसमें हम सुधार करेंगे, इस बार हटके काम करेंगे। अपन चाहते हैं कि हम बारात को निकाला जा, आतिशबाजी चला जा, बैंडबाजी चला जा, उनके साथ बैठ के पत्तल पर अपन सब लोग बैठ के भोजन करेंगे। ये सारी व्यवस्था सरकार तो करती है, मेरा भी दायित्व बनता है कि यहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ, इनका मैं सेवक हूँ, तो सेवक का भी दायित्व बनता है